कैसा लग रहा है चला के? कैसा लग रहा है चला के? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है चला के। फर्स्ट इम्प्रेशन इज क्वाइट वेरी गुड, और काफी मतलब इसीलिए मतलब ये हमने इसको चलाया इको मोड में, 45 पे टच कर रही थी। और स्पोर्ट्स मोड का क्या रहता है टॉप स्पीड? ब्रेक मोड पे रहता है 90। ओके, तो 90 का भी हमने इसका टच नहीं किया इतना स्पीड, लेकिन ओवरऑल हमने चलाया तो हमें मतलब काफ़ी मज़ा आया। और इसके बाद बता देते हैं कि स्पेसिफिकेशन, तो आप इसका देख सकते हो कि उसको हमने स्टार्ट किया तो आगे 20 सेकंड तक तो उसकी एलईडी स्ट्रिप लाइन ऑन होगी, फिर देन इसके बाद ये डिजिटली पैनल ऑन हो जाएगा। इस पर एथर की ब्रांडिंग है, साफ साफ लिखा रहा है। और इसमें काफ़ी टच स्क्रीन वाले मोड दे रखे हैं कि यार आप इसको पावर में, इको में और किस किस में चला सकते हैं, मुझे कुछ बताओ तो। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इन्होंने कितने सारे मोड कर रखे हैं यहाँ पे। यस, की थीम वगैरह भी आप वाइटनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, कर सकते हो, ये थीम आप एडजस्ट कर सकते हो ब्राइटनेस अपने अकॉर्डिंगली, डार्क मोड कर सकते हो रात के लिए, वो भी मतलब सही है। कोई भी एरर आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, अच्छा कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, ब्रेक से रिलेटेड हो गई या कुछ भी हो गई है ना, सब इसमें अपडेट आ जाएगा। ये आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, अच्छा पूरा डॉक्यूमेंट आप डिजिटली इसमें डाल सकते हो, बढ़िया नेट कनेक्ट करके। तो ब्लूटूथ से होता है, वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाता है? नहीं, ब्लूटूथ से। अच्छा ब्लूटूथ से, तो कौन सी ऐप आती है ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए, है आपके पास? नहीं अभी नहीं। अच्छा अभी नहीं है, ऑटोमेटिक। अच्छा ऑटोमेटिकली प्री इंस्टॉल्ड आएगी वो, और इसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे सकते हो अपना, है ना, जैसे बताया आपने मुझे, ओनर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी पूरी कि किस ओनर ने खरीदी है, कब, इसका पूरा चेचिस नंबर वगैरह सब कुछ डिटेल्स आ जाएगा। और इसके अलावा बता दो कि आरटीओ रजिस्टर्ड होगी है? हाँ, आरटीओ रजिस्टर्ड हो। अच्छा, इसमें आरसी नंबर प्लेट, गाड़ी का, अच्छा इंश्योरेंस। तो टॉप स्पीड बताया मुझे कि 90 तक टच कर लेती है ना, 85 से 90 की स्पीड है इसमें चलती है। कितने मोड टोटल इसमें? इको है, चार मोड है, बताओ कौन कौन से ये। तो वो भी इस पे हम मोड देख रहे हैं क्या कौन कौन सा मोड है। तो ये इको है, इको है, इको मोड आ गया। फिर आप यहाँ पे राइड मोड है, एक है स्पोर्ट्स मोड है, और एक है वार्प। तो ये वार्प शायद अल्ट्रा लेवल का होगा कुछ, है ना, ये मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड कराएगा। और बाकी मुझे इसमें बताओ यार, ये रिवर्स वाला क्या फीचर है? मतलब वाला ही बता देता हूं अभी, आप बैठो एक बार गाड़ी पर। चलो एक बार गाड़ी पे बैठ के दिखाई देते हैं आपको कैसा भाई कार वाला सिस्टम कर रखा है एथर में। मोटर ऑन हो गई, यहाँ पे इंडिकेट कर देता है कि मोटर ऑन है, और टाइमिंग भी दिखा रहा है कि अभी 6:14 हो रहा है टाइम। अच्छा पार्क असिस्ट पे इसको हमें स्वाइप करना है, रेस दीजिए। ओके, तो ये देखो आप रेस दूंगा मैं तो ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगी। इसमें कोई सेंसर वगैरह थोड़ी है कि मतलब तीन की स्पीड है, इसमें ज्यादा नहीं भागेगी, तीन की स्पीड में रिवर्स हो जाएगी इजीली। कोई स्लो वगैरह हुई तो मतलब आप पीछे हो जाएगी। हाँ, कितनी भी इसमें स्पीड होगी ज्यादा नहीं चलेगी। देखो आपको लगता है वो कहीं पे ऊंचाई पर जाना हो तो चली जाएगी क्या, तीन की स्पीड में भी? बिल्कुल, तीन से ज्यादा स्पीड आएगी इसकी। और आप देखो जैसे कि आप स्पीड आपने पूरा पीछे बैकअप कर लिया, प्रीवियस चले गए हो आप, उसको आप यहाँ पे कैंसिल कर दो। तो वापस से पार्क असिस्ट मोड में आ गई, मोटर ऑन है, तो अब इसको वापस से हम करेंगे हल्का आगे से दिखा दो एक बार। ये हाई बीम है और ये लो हो गई, दो मोड दे रखे हैं आपने इसमें, और इंडिकेटर का आगे से इंडिकेट कर दिए। आगे भी स्क्रीन पर शो करता है कि इंडिकेटर आप लेफ्ट दे रहे हो, राइट दे रहे हो, उस अकॉर्डिंग। अच्छा, थोड़ा इरिटेट हो जाता है कि मतलब क्या हर बार इंडिकेट क्या आवाज़ आ रही है। चलो अच्छा है। हाँ, इसके अलावा अभी ये इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो 1,47,000 है। सब्सिडी वगैरह आपने डिडक्ट करके बता रहे हो मुझे आप, और आने वाले टाइम में कुछ और रिडक्शन मिलेगा प्राइस में? अच्छा,
अच्छा, और पावर स्टेशन बना रखे हैं आपने अभी, अब कहाँ कहाँ मतलब सेट करने वाले हो जयपुर में? तो अभी टाइम है और अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज कर लो पर, और डिटेल से हो गया मतलब क्वाइट प्लेस में हम उसको ऊपर हमने हेलमेट बस को हेलमेट का स्पेस दिखाओ भैया कैसे एक बार मैं यहां पे गाड़ी में खींचा फीचर भी आता है इधर यहां पे चेंज हो जाएगा कैसे ये खुलेगा। अच्छा आगे से खुल जाएगा। हाँ। और चार्जिंग पोर्ट थोड़ी है फोन्स वगैरह चार्ज करने के लिए, वो भी अपकमिंग आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, चार्जर वगैरह, पावर बैंक वगैरह, चार्ज पॉइंट, चार्जिंग पॉइंट यहाँ कुछ भी रख सकते हो। अच्छा एलईडी लाइट है ओके, एलईडी लाइट पैनल है ये, तो इसका क्या रहता है मतलब ये ऑटोमेटिकली जब भी इसको ओपन करेंगे सीट आप ऑन करोगे ये खुद चल जाएगी लाइट। अच्छा ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड हुई है अभी बाकी। एंड ये क्या यहाँ पे मोटर के लिए? अच्छा मोटर के लिए, कोई कूलिंग वगैरह के लिए है कि? वेंटिलेटर हो गया। और इसके अलावा मतलब और बॉडी कितने आप कितने वेट होगा सर? 108 बैटरी का बैटरी 108 इंक्लूड है। एक बार चार्ज होने पर कितना चलती है ये? कितना टाइम तक चल जाती है चार्ज होने के बाद? 116 किलोमीटर चलेगी इको मोड पे। और तो ये मैट कलर में आया था ना, थोड़ा सा मैट फिनिश में आया है, ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे। और बाकी टायर आप दोनों के सेम सकते हो, बाकी इसमें डिस्क ब्रेक लगाया है कि क्या मतलब? डिस्क ब्रेक दोनों आगे पीछे दोनों साइड है। ओके सही है, मतलब ये भी मतलब एथर खुद के ब्रांड के हैं या किसी अदर ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करके? खुद का ब्रांड है पूरा। अच्छा मुझे बताओ मैन्युफैक्चरिंग इसकी कहाँ होती है मेनली? बैंगलोर में, बैंगलोर साइड का ब्रांड है। तो पॉपुलर पॉइंट मैं अभी राजस्थान में आपने कितनी जगह मतलब अभी इसकी डीलरशिप स्टार्ट करी है या फर्स्ट जयपुर में आया? जयपुर में सकते हैं 5-5 रेडियस के। गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है मतलब आप ये प्लांट करोगे हर जगह तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिले आपको या कुछ मतलब जयपुर की पब्लिक आने वाली है मतलब उनको इसका फैसिलिटी का फायदा उठाएंगे तो कुछ आपको अप्रिसिएशन मिलेगा? अच्छा तो अभी आप कस्टमर रिलेशन में मतलब मोस्ट बिलीव कर रहे हो राजस्थान के लोगों से थोड़ा सा घुलने मिलने के लिए, बाकी देन आप इस पर और डिजिटली प्रमोट होता चला जाएगा वैसे वैसे आप और अच्छे कुछ स्कीम्स लेते आओगे हमारे व्यूवर्स के लिए। और एंटी चिप्स के गैस में BMW के पास में है और ना ही तो बिल्कुल सी ग्रैंड ओपनिंग है तो कोई जाना तो क्या मतलब चार्जेस लगते हैं बैटरी स्वैप करनी है नहीं खरीदनी है बैटरी तो 3 साल के देन बाद कोई सोचे अगर फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम आती अच्छा नई बैटरी करनी है किसी को मान लो कि इस गाड़ी का 2 बैटरी रखनी है अपने साथ नहीं जैसे कि एक खराब हो जाए या कुछ बैकअप प्लान हो किसी को लेह लद्दाख जाना हो तो वो उसको रिमूव करके दूसरी डिटैच कर देंगे और किसी को लेह लद्दाख या टेक्नीशियन होगा वही कर पाएगा उसको बाहर जाना हो तो किसी को बैकअप लेके बैटरी का जैसे मैंने कई लेटेस्ट स्कूटर्स देखे जैसे किसी ने एक स्कूटर था उसने अभी लेह लद्दाख करी तो उसने उतनी बैटरी स्वैप कर ली थी वो नहीं है सर इसमें नोट थोड़ा सा नहीं चार्ज करना ही पड़ेगा उसको एक बार तो जिस कस्टमर ने अभी तक जिस गाड़ी को चलाया ना हाँ गाड़ी की तारीफ ही कर तारीफ तो मैंने नेगेटिव कमेंट नहीं आया मतलब पसंद आई क्योंकि यार कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक का तो पावर बहुत अच्छी है। ओके और एंटी थीफ तो बताया नहीं इसमें क्या है सुरक्षा वगैरह थोड़ी कुछ इसमें चलाते हो ना तो 40-50 की स्पीड पे जाएगी। अच्छा तो मतलब इधर बताओ कि अभी पेट्रोल दाम चल रहा है 100 समथिंग तो हो ही गया पेट्रोल है ना प्रीमियम भी हो गया तो अभी मतलब इलेक्ट्रिक को खरीदना चाहेगा तो मतलब क्या बेनिफिट है कितने रुपए में कितने किलोमीटर कवर कर पाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली?
सर वो 3.5 यूनिट में 100 किलोमीटर चल सकता है। 3.5 यूनिट में 100 किलोमीटर चलते हैं। और एक यूनिट की क्या कीमत मानते हो? 10 रुपए मानते हैं। 10 रुपए में 30 रुपए में आप 100 किलोमीटर कवर कर सकते हो। 30 रुपए में 100 किलोमीटर। और जो आप अंदर नॉर्मली पेट्रोल फिल कराओगे, एक लीटर भी नहीं आता 100 रुपए में आजकल तो। और आ रहा है तो फिर मतलब आप उसमें आप देखते हो एवरेज इतनी गाड़ी आपकी 30-40 जितनी भी आप चला रहे हो। मोस्टली मतलब बेस्ट है, आने वाले टाइम में काफी डिमांड होने वाली है इसकी। तो आप जयपुर में अगर सर्च कर रहे हो कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर तो एथर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। और बिग थैंक्स, आपका क्या नाम बताया आपने? धनराज। और आपका गुड नेम सर? इब्तिसाम। तो इन्होंने मतलब काफी अच्छे से गाइड किया, तो श्योरली आप इनसे कभी भी स्टोर पे आओ तो मिलके जाना। मतलब बहुत अच्छे से गाइड किया और टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। टेस्ट ड्राइव का क्या रहता है सीन इसका पूरा? किसी टाइम भी आ सकते हो आप, किसी 7 बजे तक। और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए लाने पड़ेंगे उनको जिसको आने? लाइसेंस चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए उनको बस। ओके, और कुछ नहीं मतलब? ठीक है। और 3 किलोमीटर तक आप दे देते होगे चलाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। और साथ लाइक शेयर एंड कमेंट के जरूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको। अच्छा तो भैया मुझे यहाँ पे पब्लिक रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो आप कैसा लगा भैया फर्स्ट लुक में इसका? लुक बहुत बढ़िया है सर। अच्छा तो अभी आपने पेट्रोल वाली गाड़ियाँ काफी यूज करी होंगे, एक्टिवा जुपिटर? एक्टिवा में मेरा एवरेज 40 का देती है। ओके है ना, और वही अभी ली थी मैंने साल भर पहले। अच्छा बट ये गाड़ी मुझे बहुत बढ़िया लगी। ओके और जो बैटरी की गाड़ियाँ आती है ना? हाँ जी हाँ जी, उसमें वो जैसे एक अलग ही लग जाती है कि हाँ बैटरी वाली है। हाँ हाँ, अब इस गाड़ी को देखकर ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये बैटरी वाली, मतलब पुराना लुक वाइज और इसका मतलब बैटरी एज है और कैपेसिटी ना मतलब काफी अच्छी है। सच में वैल्यू फॉर मनी है, बुकिंग करवाना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने पेट्रोल पंप इसी से बना रखे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप चार्ज कर सकते हो, 45 मिनट्स में चार्ज हो जाते हैं लमसम 0-80%। तो वो भी मतलब आपको दिखाएंगे। इसके अलावा इसकी जो बैटरी का जो पैनल है वो भी मतलब बहुत अच्छा है, नीचे लगा रखा है, सिचुएटेड नॉन रिमूवेबल है लेकिन आप चार्ज कर सकते हो। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मैंने के लिए। और नेटवर्क का पिक्चर देख पा रहे होंगे पूरा हमने शोरूम कवर कर रखा है। और इसके अलावा आपको हम पूरी डिटेल वीडियो और भी ला के देंगे। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो कमेंट में, आपका हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको। और इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया है। I felt for you, oh I regret.